दोस्तों नमस्कार, मैं वारिस खान हमारे कार्यक्रम पड़ताल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमारा चैनल धार जिले के मनावर तहसील में आने वाली आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित एजेंडा की पड़ताल कर रहा है। हमने पिछले दो एपिसोड में आपको बताया कि किस तरह समिति के मैनेजर जगदीश चंद्र डकलेचा ने भ्रष्टाचार कर करोड़ों रुपये कमाए हैं। एजेंडा समिति के इस पूरे मामले में जब उनसे कुछ न बन सका तो उन्होंने एक नया दाव खेला जिसमें वो खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। एक अखबार जिसका नाम है प्रदेश सत्ता, जो भोपाल से संचालित होता है। इस अखबार के धार जिला संवाददाता के अनुसार धार जिले में मात्र 20 से 25 कापियां आती है जो सिर्फ अधिकारियों और कर्मचारियों तक ही पहुंच पाती है। उस अखबार में जो अभी तक हमारे बहुत ढूंढने के बावजूद भी प्रिंट में नहीं मिला है, उस अखबार में 20 जुलाई 2019 शनिवार को जगदीश चंद्र डकलेचा के बारे में ऐसा झूठा प्रचार किया जैसे कि उसे क्लीन चिट नहीं वर्ल्ड कप मिल गया हो। जब इस अखबार की फ़ोटो हम तक पहुंची तो हमने इस अखबार की पड़ताल शुरू की, तो आइए देखते क्या हुआ पूरा मामला। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है, सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। तो सुना आपने ये गाना, यह गाना पूरी तरह हमारी इस पड़ताल पर, आज के इस एपिसोड पर फिट बैठता है। अब आप देखिए इस अखबार में जिस अधिकारी ने अपना वर्जन दिया है और कहा है कि हमने पूरे मामले की जांच की है और उस जांच में शिकायत के आधार पर एक व्यक्ति के बयान सबूतों के साथ उच्च अधिकारियों को पहुंचाएं। हमारी जांच के बाद संबंधित मुख्य शिकायतकर्ता ने सभी पक्ष देखने के बाद स्वयं के शिकायत को गलत बताया है। हमारी जाँच में एजेंडा सोसाइटी प्रबंधक निर्दोष है। जब हमारे चैनल द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जिला धार के MD RS वसुनिया जी को कॉल किया तो उन्होंने पहले तो साफ मना किया कि यह मामला क्या है, मुझे कोई जानकारी नहीं, किस अखबार में खबर छपी है मैं नहीं जानता। जब हमारे द्वारा उन्हें WhatsApp पर अखबार की कटिंग दिखाई गई तो साफ मना कर गए कि मैंने ऐसा कोई वर्जन नहीं दिया है और जाँच अभी खत्म नहीं हुई है। जब हमारे धार संवाददाता उनसे मिलने गए तो वो कैमरे के सामने आने से कतराने लगे, ना कैमरे के सामने ना ही फ़ोन पर किसी भी तरह से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। वह कहीं ना कहीं अपने ही बयान में उलझते नजर आए और इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ते नजर आए। अब आप ही देखिए क्या है पूरी हकीकत। हेलो नमस्कार सर, वसुनिया जी बोल रहे हैं। बोल रहा हूँ सर, मैं HW24 न्यूज़ से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, ये आपके एक एजेंडा के अंदर सोसाइटी का एक सर ये मामला आया था, उसमें जांच भी की गई थी आपके द्वारा, तो उसमें से आपने क्लीन चिट उनको दिए, तो किन किन मामलों में आपने से क्लीन चिट दी? क्लीन चिट तो नहीं, एक्चुअल जो जांच दी उसमें जो शिकायतकर्ता नहीं बोला कि मैंने शिकायतकर्ता नहीं बोला कि मैंने अखबार में फ्रंट पेज पे खबर लगी आपका वर्जन भी आया, उसमें आपने कहा है कि वो निर्दोष पाए गए। कौन सा अखबार में लगी? मैं आपको व्हाट्सएप, आप नंबर व्हाट्सएप पे हो सर इस नंबर? मैं आपको अखबार की कटिंग भेज देता हूँ सर। आपकी जांच जो जो करवाई है उसके अंदर एक्चुअल में 5 शिकायतकर्ता थे, आपने केवल एक शिकायतकर्ता के वर्जन लेकर और जांच को खत्म कर दिया। नहीं खत्म थोड़ी करा, जांच वो तो चलेगी, जांच कैसे खत्म हो जाएगी? जैसे पेपर में से कटिंग आई बड़े बड़े अक्षरों में कि निर्दोष पाए गए। नहीं निर्दोष पाए गए ऐसा तो पेपर फिर भी छाप दे गए, आप कुछ भी बोल दोगे उससे नहीं होगा। किसी से बात भी नहीं हुई, मेरा वर्जन कुछ छाप दिया, गलत छाप दिया उसने, इस भी पेपर में छापा। एजेंडा में जांच चल रही है, जांच आने के बाद जो सही रिपोर्ट होगी, अगर गलत होगा कार्रवाई होगी, और जो रिपोर्ट में जो पाया गया है उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब हमने प्रदेश सत्ता के धार संवाददाता संदीप शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वसुनिया जी का पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड है। अब देखने वाली बात तो यह है कि वसुनिया जी ने उन्हें जो बाइट दी है वो सत्य है, या हमसे जो बात की वो सत्य है, या इस पूरे मामले को जगदीश चंद्र डकलेचा गोल गोल घुमा रहा है। अब इस मामले में जिस अधिकारी ने जाँच की है, श्री बघेल सर, जो एजेंडा समिति के प्रशासक के पद पर वर्तमान में पदस्थ हैं, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एजेंडा समिति की जांच एजेंडा समिति के वर्तमान प्रशासक को ही सौंपी गई। उनका यह कहना है कि हमें जांच का आदेश उच्च अधिकारियों ने दिया है पर हम उनका नाम नहीं बता सकते, और उन्होंने यह भी कहा कि जांच पूरी हो चुकी है, हमने पूरी जांच कर अधिकारियों तक जांच प्रतिवेदन सौंप दिया है।
अच्छा, इस पूरे मामले में बड़ी बात तो यह है कि जो जांच अधिकारी जांच करने के लिए गए थे तो गांव में 5 लोग शिकायतकर्ता थे, पर उन्होंने मात्र एक ही शिकायतकर्ता से वर्जन लेकर पूरा मामला कागज़ों पर ही रफा दफा कर दिया, जिसमें बचे हुए शिकायतकर्ताओं ने दोबारा से मंगलवार को जन सुनवाई में इंसाफ की गुहार लगाई। जब इस पूरे मामले में हमने उपायुक्त सहकारिता से जानना चाहा तो उन्होंने पहले तो मिलने से मना किया, फिर जब हमने फ़ोन से संपर्क करना चाहा तो उन्होंने बड़ी ही नाराज़गी भरे लहजे से कहा कि अभी जांच खत्म नहीं हुई है और तुरंत फ़ोन कट कर दिया। बोलिए। हाँ मैडम, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अजंता की जो जाँच चल रही है मनावर की तहसील अजंता की, तो मैडम ये जांच पूरी कंप्लीट हो गई है या इसमें अभी कुछ कार्यवाही बाकी है? नहीं, अभी जांच चल रही है मैडम। उसमें एक छोटा सा अब बड़ा सवाल तो यह है कि अगर समिति की जांच चल रही है या पूरी हो गई है तो वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देने या बात करने में नाराजगी क्यों है? यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जाँच अधिकारी बता रहे हैं कि जाँच पूरी हो चुकी है और वरिष्ठ अधिकारियों को जाँच प्रतिवेदन सौंप दिया है, वहीं वरिष्ठ अधिकारी अभी जाँच का पूरा न होना बता रहे हैं। यह पूरी जांच अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, शिकायतकर्ता, जांचकर्ता और जगदीश चंद्र ढकलेचा के बीच में गोल गोल घूमती नजर आ रही, और कहीं ना कहीं जगदीश चंद्र ढकलेचा वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह कर इस पूरी जांच को अलग ही मोड़ देना चाहता है। अब तक जो हमने बात की वो एक अखबार की खबर की थी जो हमारी पड़ताल में पूरी तरह झूठ साबित हुई है। हमारे अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि जगदीश चंद्र ढकलेचा ने किस तरह फर्जीवाड़ा और कालाबाजारी का काम किया हुआ है, कैसे वह कागज़ों पर हेराफेरी करता है, कैसे बिना कागज़ों के लाखों के लोन बांट देता है और कैसे जिस व्यक्ति का नाम ही नहीं उस व्यक्ति के नाम से लाखों रुपये जमा भी कर लेता है और जिस व्यक्ति ने पैसे जमा कर दिए हैं उससे NOC मिलने के बजाय ऋण माफ़ी योजना में उसका नाम आ जाता है। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम। अगर आपके आसपास ऐसा कोई फर्जीवाड़ा या कालाबाजारी हो रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम रखेंगे आपकी बात, हम देंगे सच का साथ। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।